देव मानना चाहिए, मानना देव मानना चाहिए, किंवा त्यांची उपासना करना नाही, किंवा त्यांची उपासना करना नाही। मी रामकृष्ण यांना, मी रामकृष्ण यांना देव मानणार नाही, देव मानणार नाही, किंवा त्यांची उपासना करणार नाही, किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी गौरी गणपती, मी गौरी गणपती इत्यादी इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवते, हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवते मानणार नाही, मानणार नाही, किंवा त्यांची उपासना करणार नाही, किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। देवाने अवतार घेतले, देवाने अवतार घेतले यावर माझा विश्वास नाही, यावर माझा विश्वास नाही। बुद्ध हा, बुद्ध हा विष्णूचा अवतार आहे, विष्णूचा अवतार आहे। हा खोटा आणि खोडसार, हा खोटा आणि खोडसार प्रसार होय, प्रसार होय असे मी मानतो, असे मी मानतो। मी साध्यपक्ष करणार नाही, मी साध्यपक्ष करणार नाही, पिंडदान करणार नाही, पिंडदान करणार नाही। बौद्ध धर्माच्या विरुद्ध, बौद्ध धर्माच्या विरुद्ध विसंगत असे, विसंगत असे कोणतेच आचार कर्म, कोणतेच आचार कर्म मी करणार नाही, मी करणार नाही। कोणतेही क्रियाकर्म, कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणांचे हातून करून घेणार नाही, ब्राह्मणांच्या हातून करून घेणार नाही। सर्व मनुष्य मात्र समान आहे, सर्व मनुष्य मात्र समान आहे असे मी मानतो, असे मी मानतो। मी समता प्रस्थापित करण्याचा, समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करी, प्रयत्न करी। मी भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या, मी भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करी, अष्टांग मार्गाचा अवलंब करी। मी बुद्धाने सांगितलेल्या, मी बुद्धाने सांगितलेल्या दहा पारमिता पाळी, दहा पारमिता पाळी। मी सर्व प्राणी मात्रावर दया करी, मी सर्व प्राणी मात्रावर दया करी। त्यांचे लालन पालन, त्यांचे लालन पालन करी। मी चोरी करणार नाही, मी चोरी करणार नाही, मी खोटे बोलणार नाही, मी खोटे बोलणार नाही। मी व्यभिचार करणार नाही, मी व्यभिचार करणार नाही, मी दारू पिणार नाही, मी दारू पिणार नाही। मी प्रज्ञाशील करुणा, मी प्रज्ञाशील आणि करुणा या बौद्ध धर्माच्या, या बौद्ध धर्माच्या तीन तत्वांची सांगड घालू, तीन तत्वांची सांगड घालू माझे जीवन घालवी, माझे जीवन घालवी। माझ्या जुन्या, माझ्या जुन्या मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक, मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या आणि मनुष्य मात्राला असमान, आणि मनुष्य मात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या, व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो, हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बुद्ध धर्माचा स्वीकार करतो, व बुद्ध धर्माचा स्वीकार करतो। बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म हा सद्धर्म आहे, हा सद्धर्म आहे अशी माझी खात्री पडलेली आहे, अशी माझी खात्री पडलेली आहे। माझा नवा जन्म होत आहे, माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो, असे मी मानतो। इतप्पा, इतप्पा मी बुद्धाच्या शिकवणीप्रमाणे, मी बुद्धाच्या शिकवणीप्रमाणे वागे, वागे अशी प्रतिज्ञा करतो, अशी प्रतिज्ञा करतो। जय शशिकांतजी म्हणणे, मी यांना विनंती करतो की बाबासाहेबांनी ज्या त्यांच्या धर्माचा प्रसार करण्याच्या प्रतिज्ञा दिल्या होत्या त्या सर्वांना द्याव्या। सर्वांनी उभं राहावं आणि प्रतिज्ञा घ्यायची, प्रतिज्ञा आपण करूया, प्रतिज्ञा आपण करूया। जीवसृष्टी आहे असी, असी ती भवसागर, ती भवसागर नेण्याची, नेण्याची प्रतिज्ञा आपण करूया, प्रतिज्ञा आपण करूया। आपणा दोष असंख्य, आपणा दोष असंख्य हे नष्ट करण्याची, हे नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा आपण करूया, प्रतिज्ञा आपण करूया। आहेत सत्यानंद, आहेत सत्यानंद ती पूर्ण आकलण्याची, ती पूर्ण आकलण्याची प्रतिज्ञा आपण करूया, प्रतिज्ञा आपण करूया। भगवान बुद्धांचा अतुल्य मार्ग, भगवान बुद्धांचा अतुल्य मार्ग तो संपूर्ण, तो संपूर्ण साध्य करणे, साध्य करणे। सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर धनराजी दहाड यांचा विशेष माधुरी खोबरा केंद्राचे त्यांना विनंती करतो।
विश्वभूषण भारत रत्न घोषित करते परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इसी श्रृंखला में जिन जिन लोगों ने जिन जिन महानुभावों ने विषमता नष्ट करने और समानता स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया उन सभी ज्ञात अज्ञात महानुभावों को भी मैं नम्र अभिवादन करता हूँ। मंचा सिंह हमारे भोजन निदाय समिति के सर्वे सर्वा डॉक्टर होगा आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर धनराज दाहट एडवोकेट धनराज भांगे कैप्टन सुंदर मिश्रा शशिकांत धोने जी और मेरे समक्ष उपस्थित तमाम धर्म स्वरूप भाई और बहन जैसे आज तारीख है 5 अक्टूबर और आज की तारीख को भोजन निदाय समिति तथा बाबा साहब अम्बेडकर मिशन नागपुर इनके संयुक्त इस्तेमाल से समारोह तथा भोजन दिवस मासिक विमोचन विमोचन समारोह का यहाँ आयोजन किया गया है और यहाँ सभी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि भोजन दिवस का लोकार्पण यहाँ पर होगा। आज तारीख 5 कल की तारीख 3 4 कल की तारीख का ये विशेष महत्व है पूरे विश्व भर के लिए कि कल का दिन राष्ट्रीय अखंडता दिवस करके भी सम्पन्न किया जाता है। संत बहिना भाई स्मृति से दिन करके भी संपन्न किया जाता है और संत मुक्ता भाई स्मृति से दिन करके भी संपन्न किया जाता है। आज का दिन 5 अक्टूबर का आज के दिन का विशेष महत्व ग्लोबल यानी यूनिवर्सल लेवल पर यह है कि मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक विधिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चर्चा की थी और आज ही की तारीख को यानी 5 अक्टूबर 1968 को जिन्होंने सर्वप्रथम बंगाल से बाबा साहब को संसद में भेजने के लिए जगह बनाई थी और अपने निर्वाचन क्षेत्र से मुस्लिम लोगों ने उनको सुन कर दिया था उस दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल का निधन दिन भी है आज 5 अक्टूबर 1968 को उनका निधन हुआ था। मैं उनकी भी पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ और यहाँ पर हमारी सीरियस बातें हुई एक खास बात आपको सुना करके आपको मैं कई क्रिकेटर की अपने पानी को इनाम देता हूँ कि एक बार मैंने क्या देखा सपने में कि एक सर्कस का खिलाड़ी नहीं वो जोकर था और करतब दिखाते दिखाते हंसते हंसाते कलाबाजियाँ करता करता दर्शकों को गुदगुदाकर लोट पोट करना उसका जेब से 500 रुपये का नया सोना नोट निकाल कर दर्शकों को दिखा के सबसे पूछा बताइए ये नोट किसको चाहिए। नोट लेने के इच्छुक धीरे धीरे कई हाथ ऊपर उठे तब वो बोला आप में से किसी एक को ये नोट मैं दे दूंगा लेकिन पहले मुझे एक काम कर देते ये कहते हुए उसने उस नए पूरे नोट को तोड़ मरोड़ कर दोनों हथेलियों के बीच रद्दी कागज की तरह मसल मसल कर नए पल को खराब कर दिया और फिर दर्शकों को दिखा के लिए पूछा अब ये नोट किसको चाहिए। कुछ हाथ भी ऊपर उठे तो जोकर ने कहा ठीक है अब मैं ऐसा करता हूँ और उसने वह नोट जमीन पर डालकर उसे पैरों के नीचे से कुचल कर और भी खराब कर दिया और रद्दी कागज की तरह तोड़ मरोड़ कर मसल कर दूसरे से कुचला वो नोट हाथ में लेकर फिर दर्शकों को उसने पूछा अब ये नोट किसको चाहिए। थोड़े थोड़े हाथ फिर ऊपर उठे तब वो बोला इस 500 के नोट को मैं कुछ भी करूँ फिर भी आपको ये चाहिए ही चाहिए क्यों क्योंकि कुछ भी किया जाए तो उसका जो मूल्य है वो कभी कम नहीं होता। आदमी भी बर्बाद होता है तहस नहस होता है उसके उसको जीवन आता ही लगने लगता है लेकिन वास्तव में ध्यान रहे उसका मूल्य कभी कम न होने पाए और आप व्यक्ति विशेष है ये बात कभी न भूले और उसका मूल्य बराबर बनाए रखे। आपकी मनोवृत्ति ही आपकी महानता निर्धारित करती है। जोकर का मनोबल उसका अंदरूनी जीवन दर्शन इतना जबरदस्त था जिसका पता दर्शकों को उस दिन पता चला सारे दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल देर तक गूंजता रहा और इसी दरमियान जोकर झुकझुक कर अभिवादन करता हुआ नजरों से ओझल हो गया। तो यह है दोस्तों जीवन की शार्ट में कहानी। सीएम चव्हाण साहब यांनी सुद्धा प्रज्ञापीठावर आपलं स्थान ग्रहण करावं। सीएम चव्हाण साहब यू आर रिक्वेस्टेड टू बी ऑन द डायस। आपले विशेष अतिथी अमन कुमार कांबळे यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावं।
आपकी विनती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन अमन कुमार कांबळेंचं स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे विजयनगर विमलताई चव्हाण यांना विनंती करतो की त्यांनी भारतीय विद्यालयाची उद्देशिका आपल्यासमोर वाचून दाखवतो. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याच्या आणि त्यासाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वतंत्र दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्यासाठी व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांना आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1969 रोजी हे संविधान अधिकृत आणि उपस्थित करून आम्ही स्वतःवर शपथ करत आहोत. या संविधानाला प्राध्यापक अर्नेस्ट वाटकर यांनी आपली पुस्तिका प्रिन्सिपल ऑफ सोशल थिअरी हे सुपूर्त केलेली आहे. धन्यवाद. नमो बुद्धाय जयती महाकाली प्रकाश भगवान गौतम सर परम पूज्य डॉक्टर बाबा आंबेडकर या महामानवांना प्रथम अभिवादन वंदन करतो आणि धर्मपिठा सर्व बसलेले माझे मित्र आणि आपण सर्वांना नमो बुद्धाय जयती. आजच्या सुत्ता पिठकामध्ये आपण 416 नंबरची गाथा बघत आहोत. त्याच्या पालीमध्ये असं आहे की यो तत्व पहत्वान अनागारो परिपज्जे तवा भव परिखिन्न तमह गृहीर ब्राह्मण. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जो इथे तृष्णेचा त्याग करून गृहहीन होऊन प्रवजी झाला त्याची तृष्णा भाव नष्ट झालेली आहे आणि त्याला तिने ब्राह्मण म्हणतो असं तथागत म्हणतात. या विषयावर त्यांनी टोळी सांगितलेली आहे. ज्योतिप नामक एक अत्यंत श्रीमंत मनुष्य राजगृहात अति रमणीय 7 मजली महालात राहत असे. त्या महालाच्या चारही बाजूला 7 संरक्षण भिंती होत्या. तिथे द्वारपालाची सतत निगराणी असे. त्याला धन संपत्तीची चर्चा त्यांच्या धन संपत्तीची चर्चा दूरदूरपर्यंत पसरलेली होती. तेव्हा बिंबिसार पुत्र अजातशत्रू बाल्या अवस्थेत होता. अजातशत्रूने तो भव्य महाल पाहून मनात असे ठेवले की मी जेव्हा राजा होईल तेव्हा हा महाल मी जेती करून हिसकावून घेईन. ज्योती बिंबिसार राजा व अजातशत्रूला त्यांच्या अनुयायांना बहुमूल्य रत्नाचा उपहार देऊन निरोप दिला. जेव्हा अजातशत्रू राजा झाला तेव्हा त्याने ज्योतिकाच्या महालावर अतिक्रमण करण्यासाठी सैनिक पाठवले. अजातशत्रू आणि त्यांच्या सैनिकाने ज्योतिकाच्या रक्षकाबरोबर तुंबक युद्ध झाले परंतु अजातशत्रू महालावर कब्जा करण्यात अयशस्वी झाला. त्याने तेथे वेणुवनाकडे कूच केले. तिथे ज्योतिक भगवंतासमोर बसून धम्म श्रवण करीत होता. तिथे जाऊन अजातशत्रू ज्योतिकाला म्हणाला आपल्या रक्षकांना माझ्यासाठी माझ्याशी लढाई लढायला सांगून इथे येऊन तुम्ही धम्मश्रवण करत आहात. ज्योतिकाला समजायला उशीर लागला नाही की राजाने त्याच्या महालाला शक्तीबलाने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्योतिकाने राजाला म्हटले राजन
माझ्या इच्छा विरुद्ध माझ्या संपत्तीला घेतले जाऊ शकत नाही असे म्हणून त्यांनी दोन्ही हाताने सोन्याच्या अंगठ्या पुढे केल्या आणि राजाला आवाहन केले की माझ्या दोन्ही हातातली बोटातल्या मधून अंगठ्या काढून दाखवा. राजाने ज्योतिकाच्या बोटामधून अंगठ्या काढण्याचा खूप प्रयत्न केला परंतु त्यात तो यशस्वी झाला नाही. ज्योतिकाने एक कपडा पसरायला सांगितला आणि आपल्या सोन्याच्या अंगठ्या काढून तिथे ठेवल्या. त्यांच्या बोटातून त्या सहज कापडावर येऊन पडल्या. त्या सर्व अंगठ्या ज्योतिकाने अजातशत्रूला दिल्या आणि भगवान बुद्धांना उपसंपदेची विनंती केली. ज्योतिका प्रवज्जित होऊन भिक्खू झाला आणि लवकर त्याने अर्हन पद प्राप्त केलं आणि तो ज्योतिष कवीर नावाने प्रसिद्ध झालेला. त्याच्या अर्हत प्राप्ती बरोबरच त्याच्या सारी संपत्ती अर्ध ज्ञान पावली आणि त्याची पत्नी उत्तर पुरेला निघून गेली. एके दिवशी भिक्खूंनी ज्योतिका विरुद्धांना कवीरांना आमंत्रित करून म्हटले, अहो तुम्हाला महाला पत्नी किंवा धनात आसक्ती नाही का? कवी ज्योतिक यांचे उत्तर होते, नाही आहो. त्यात आता मला काही बिलकुल आसक्ती राहिलेली नाही कारण ते अर्हत झाले होते. भिक्खू भगवंताकडे गेले आणि सर्व उत्तर त्यांना कथन केला आणि म्हणाले, भगवान ज्योतिक खोटे बोलून अर्हत झालो असं सांगत आहे. तेव्हा शास्त्र म्हणाले, भिक्खूंनो माझा पुत्र कधी खोटं बोलत नाही, त्याला आता कुठलीच गोष्टीची तृष्णा राहिली नाही, आता त्याचा पुनर्जन्मही नाही, हा अर्हत झालेला आहे, हा खरा ब्राह्मण झाला आहे असे सांगून भगवंतांनी ही वरची गाथा म्हटलेली आहे आणि आपण सर्वांनी शांतपणे मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद. समोर आहे आपल्याकडे पहिली सभा त्यांच्या प्रकाश पांगे साहेब हे जे आहेत ॲडव्होकेट गजबे यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. सेवा निवृत्त पोलीस प्रत्येक वेळी आपल्याला मदत करायला
मी परत एकदा तुम्हाला सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला सर्वांना जय देतो. त्यांना प्रशिक्षकांनी येऊ नये, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द बोलावे. प्रशिक्षकांनी येऊ नये. मासिक असायला पाहिजे.
दर महिन्याला एक मासिक असायला पाहिजे अशी आपली संकल्पना होती आणि या संकल्पनेतून आमचे विद्वान अश्वविनी दजबे यांनी जबाबदारी घेतली आणि त्याकरता मी अश्वविनी दजबे यांना इथे बोलावतो की 2 मिनिटांमध्ये मासिकाविषयी सांगतील आणि मग त्याचा आपण विवेचन करूया. अश्वविनी दजबे. सर्वांना जय हिंद. बुद्ध धर्म संघ आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय कॅप्टन क्रिश्चन देवरांत प्रमुख अतिथी आदरणीय डॉक्टर धर्मराज दहाटकर आदरणीय अमन कुमार तांबेकर सी एल चव्हाणकर ॲडव्होकेट सुखराज धांगणेकर आणि गव्हर्नर केंद्रवर आदरणीय मंत्री श्रद्धातील आणि आपण या कार्यक्रमात सर्व उपस्थित प्रज्ञावंत. बहुजन मिलन या मासिकाची वाटचाल कशी झाली हे 5 मिनिटात सांगतो. वास्तविक पाहता मी पेशंटमधून डॉक्टर साहेबांकडे गेलो. मला प्रॉब्लेम झाला होता त्या काळामध्ये जवळपास 1 महिना टेबल नव्हती माझी फिजिकल फक्त तर मी सरांकडे गेलो तिथे ओळख झाली आणि तिथे चर्चा यायच्या आणि त्या चर्चेतून मग आपलं मासिक काढायचं असं ठरलं. मग त्याचं नाव वगैरे वगैरे आणि मी पहिल्या मिटिंगमध्ये हजर झालो. तर सुरुवात मी पेशंटमधून त्यांच्याकडे गेलो आणि मला हे काम करण्याची संधी डॉक्टर साहेबांनी आणि आपल्या बहुजन हिताय संघ या परिवारांना दिली त्याचे मी पहिल्यांदा आभार व्यक्त करतो. डॉक्टर साहेबांचे माझ्यावर त्या म्हणजे पेशंट आणि डॉक्टर या संदर्भात फार मोठे गुण आहे असं मी मानले असतो. दुसरी गोष्ट की एखादी संघटना चालवायची आहे आंदोलन चालवायचे आहे विचार चालवायचे आहे तर त्याला प्रसार माध्यमाची फार गरज असते. आपण सगळ्यांना माहीत आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा त्यांची चळवळ चालवली मूक नाही बहिष्कृत भारत संस्था हे असे पेपर चालवलेले आहेत आणि ही मीडिया तुमच्याकडे म्हणजे आपल्याकडे प्रसार माध्यम असल्याशिवाय या मोहिमेला ते फार ओळखले येत नाही किंवा ती माहिती लोकांपर्यंत जात नाही त्यामुळे मीडिया अजून आहे एकदम आवश्यक आहे. आपल्या सगळ्यांना कदाचित माहीत असेल नसेल परंतु भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा प्रसार माध्यमांची सुरुवात कोणी केली याचे जर उत्तर आपल्याला माहीत असेल तर तुम्हाला आनंद होईल. म्हणजे आपल्या माणसाने केली आहे अख्ख्या भारताच्या इतिहासामध्ये प्रसार माध्यमाची सुरुवात म्हणजे प्रसार माध्यमाच्या महत्व मूलभूत प्रसार माध्यम कसा असलं पाहिजे आणि त्याची सुरुवात आपल्या आदर्शाने केली आहे. एका आदर्शाने ज्याला आपण आदर्श मानतो तो आहे सम्राट अशोक. सम्राट अशोकाने जे शिलालेख संपूर्ण भारत आणि भारताच्या बाहुलीच्या बाहेर म्हणजे सिंधू नदीच्या पलीकडे जे केले हा प्रसार माध्यमाचा भाग आहे त्याच्या मीडियाचा भाग आहे त्यांचे विचार राजकीय विचार धार्मिक विचार सामाजिक विचार मानवी समाज आणि कल्याणकारांचे विचार आहे त्या शिलालेखाच्या माध्यमातून त्यांनी पोहोचवण्याचं काम केलं आहे. तर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा सम्राट अशोकांनी माध्यमाच्या प्रसार माध्यमाच्या महत्व ओळखून ते इम्प्लिमेंट केलं आहे. जगाच्या इतिहासात म्हणता येणार नाही कारण जगाच्या इतिहासामध्ये माध्यमाच्या महत्व ओळखणारा पहिला राजा ज्याने माध्यम निर्माण केला तो पर्शियाचा आताचा जो इराण आहे ज्याला जुनं इराण पर्शिया म्हणून त्या काळाने पर्शियाचा राजा डेरियस आणि त्याच्या मुलगा सयार याने मीडिया निर्माण केला होता आणि त्याची त्याच्या इमिग्रेशन अशोकाने भारतामध्ये मीडिया निर्माण केलेला आहे. तर मीडियाचा हे असा महत्व आहे आणि बहुजन हिताय संघाने जे बहुजन मिळत हे जे मुखपत्र आहे बहुजन हिताय संघाने हे मुखपत्र आहे आणि प्रत्येक महिन्याला ते येणार आहे. मराठी हिंदी इंग्रजी ट्रायलिंगवर आहे ते तिन्ही भाषेमध्ये. तर यामध्ये अनेक अनेक विषय म्हणजे आपल्या बहुजन हिताच्या संदर्भात त्यांच्या कामाचे विषय त्याच्यामध्ये हाताळलेले आहेत
त्याच्यामध्ये आरोग्यावर एक कॉलम आहे जे डॉक्टर संजय गोबरागडे तो कॉलम चालत आहे वाटते प्रत्येकाच्या पहिल्याला त्या अंकामध्ये आरोग्याचे एक कॉलम राहील आणि मग आम्ही तरी आहे बौद्ध साहित्य आहे फिलॉसॉफी आहे तुम्हाला आधी काय म्हणायचे आहे तर तुम्ही तुमचे मत आपल्या ॲक्टिव्हिटीज आहे ह्या सगळ्या गोष्टी मेडिटोरियल गोष्टी आहे तर मासिकामध्ये राहणार आहे माझी लेखकाला विशेष गोष्टी विनंती आहे की बहुजन मिरर या मासिकाला यशस्वी करण्यासाठी आपण सर्वच जणांनी सहकार्य केलं पाहिजे दुसरी गोष्ट अशी की आपण लेख लिहिताना लेख लिहिताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे की काय असते की आपल्याला लेख समजत नाही तर अनेक वेळा म्हणजे बघा आपल्याला बाबासाहेबांची एखादी विचार सांगायची आहे लेखक म्हणून आपण लिहितो तर ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत बुद्धाचे विचार आहे ते तुम्हाला तिथे मांडायचे आहे आणि ते कुठल्या तरी लिटरेचरमध्ये ऑलरेडी आलेलं आहे कुठल्या तरी लिटरेचरमध्ये ते आलेलं आहे कोणत्या पुस्तकात आलेलं आहे ते आपले विचार राहू शकत नाही त्यांचे विचार असतात त्यामुळे त्या ठिकाणी संकलन असा शब्द लिहायचा लेखक काय उत्सव होतो म्हणजे हा प्रकार काय होतो प्लागर या निजाम याला म्हणतात साहित्य चोरीचा प्रकार आहे तर म्हणजे अज्ञानवश अशी गोष्ट होऊ नये तर आपण या बाबतीत सार्वजनिक बाळगली पाहिजे शेवटची गोष्ट की बहुजन मिरर हे जे मासिक आहे हे मासिक आता आता तुम्हाला मिळेल थोड्या वेळामध्ये आणि दीक्षाबिंदूवर सुद्धा हे उपलब्ध राहणार तर आज स्टॉल जे आहे स्टॉल आपल्याला अवॉल्व होणार आहे आजच्या माईट होईची स्टॉल नंबर काय आहे आता आपल्याकडे दोन स्टॉल आहे एक माझ्या स्वतःचा स्टॉल आहे लोटस प्रकाशाचा 191 नंबर स्टॉल नंबर आहे तर त्या ठिकाणी सुद्धा नोट करू शकता 191 ग्राउंडमध्ये आहे ग्राउंडमध्ये आतमध्ये आणि आपलं बहुजन इथे संघाचे सुद्धा स्टॉल राहील तर ते आज दुपारपर्यंत सायंकाळपर्यंत माहीत होईल तर त्या ठिकाणी आपण येऊ शकता त्या ठिकाणी आपलं स्वागत आहे आणि दोन्ही स्टॉलमध्ये तुमचं स्वागत आहे तुम्हाला उठता येईल बसता येईल म्हणजे आपलं आहे यामध्ये अधिकाराला आपण तुम्ही येऊन बसू शकता चेअर आहे 10 चेअर ठेवल्यानंतर म्हणजे आले तर ते बसता येईल आरामात करता येईल तर एवढं बोलतो आणि मी माझ्या जीवनात येतो धन्यवाद जय नाम की जो
जी अब यहाँ प्रकाशित होने जा रही है। भोजन इकाई संघ का जो सटरडे का कार्यक्रम रहता है वो कार्यक्रम साल में एक दो बार तो प्रतीक्षा आता हूँ, लेकिन ना आकर भी यहाँ जो हो रहे उस कार्यक्रम के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये तो बहुजन हिताई संघ के जो आयोजक है डॉक्टर मुरारी साहब, इनके साथ फेसबुक में मित्रता होने के कारण वो जो बिक्री वक्त वक्त में अपडेट करते हैं उसके माध्यम से यहाँ आपके बीच में उपस्थित निशान साहब है, राउत साहब है, कामरे जी है, ये तमाम लोग हैं यहाँ यहाँ पर कार्यक्रम होने के बाद में मैं कभी रहा जब परिवार हमारे बिहार में आते हैं वहाँ तक जानकारी मिलती है कि भोजन हिताई संघ के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसके बारे में। एक कुछ दिन पहले पता चला कोई विदेश में एलएलबी या एलएलएम पढ़ने के लिए जो हमारे समाज का नियम जिसकी परिस्थिति विदेश में जाकर पढ़ने लायक नहीं थी, उस यंग एज के स्टूडेंट को उस भोजन हिताई संघ के माध्यम से हेल्प किया गया और उस हेल्प के कारण वो विद्यार्थी विदेश में जाकर अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो एखादा उच्च पदवी में गरीब लड़का एखादा लड़का गरीब पदवी गरीब घर का लड़का उच्च पदवी में जाता है तो उच्च पदवी में गए बराबर हम लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि कोई आगे बढ़ रहा है, उसका समाज क्या हो, उसका धर्म क्या हो, उसकी परिस्थिति क्या हो, उसके मुताबिक नहीं कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा आगे जाने की इच्छा रखता है, आगे जाने के लिए सफर करता है, मेहनत करता है, तो उसके पीछे में जो आज स्टेबल हुए है उनकी परिस्थिति है उसका आधार बनने की उन्होंने जरूर आधार बनना चाहिए। भोजन हिताई संघ ने वो काम किया कि एक जो विद्यार्थी अपनी मनोकामना लेकर मेहनत करने को तैयार है उस मनोकामना उसका जीवन सक्सेसफुल हो इसके लिए आप लोगों ने जो उनको सहकार्य किया वो साधु आपकी प्राप्ति है। मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डिग्री दिया वो तमाम डिग्री दिया उनकी भी परिस्थिति वही थी कि जो विदेश में जाकर पढ़ ना सके, उनके मेहनत से उनको कोई सहकार्य करने वाले थे, महाराज लोग थे, तमाम लोग थे, वो लोगों के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम डिग्रियां प्राप्त किया। बाबा साहब अम्बेडकर डिग्री लेकर अपना ही जीवन का विचार किए होते तो शायद आज हमारा ये समाज किस तरह के जीवन जीने से वंचित हुआ रहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डिग्री लिया वो डिग्री का उपयोग अपने लिए अपने कुटुंब के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया और समाज के लिए
ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। यही कारण है कि आपकी वो परिस्थिति जो परिस्थिति है, मेरी परिस्थिति जो परिस्थिति है, वही कारण कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डिग्री का लाभ है वो लाभ अपने लिए है, वो लाभ समाज के लिए, वो लाभ आम जनता के लिए दिया। यही कारण है कि आज आपकी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति, अदरवाइज उन्होंने अब डिग्री को अपने ही ये इस्तेमाल किया होता तो पता नहीं आप कहाँ होते और मैं कहाँ होता। आपने जो विद्यार्थियों को, जो यंग जनरेशन को मदद किया, हेल्प किया, उनका भी फर्ज होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनका जीवन जो था उस जीवनी पद्धति को अंगीकरण करके, उस जीवनी पद्धति को अपना एक आदर्श रख के वो भी आगे जाकर जब उत्कीर्ण हो तब समाज के लिए आकर काम करें, ताकि आज समाज काफ़ी आगे गया लेकिन और भी आगे जाना है। जो अपनी इच्छा पूरी करते हैं उन्होंने आगे जाकर समाज के तौर पर भी हाल देना है। अब यहाँ मिरर ये एक पुस्तिका का अनावरण होने जा रहा है। ये पुस्तक बड़ा सोच समझ कर नाम रखा है मिरर। आदमी का स्वभाव होता है कि अपने आप को मैं जितना नहीं हूँ उतना मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में मेरी छवि बने, मेरा कर्म इतना सा लेकिन मैं आशा इच्छा रखकर और अपने आप को उस तरह पेश करता हूँ कि मैं कौन हूँ। अस्तित्व में मैं कौन हूँ वो बात अलग हो जाती है और जो स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण अपने आप को जो पेश करने की इच्छा रखकर अपने आप को पेश करते हैं उसमें और अपने जीवन के बीच में काफ़ी अंतर बन जाता है। लेकिन मिरर ये जो वस्तु होती है, ये वस्तु आप जितने हो आपकी परछाई को ही दिखाता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें कोई विचार नहीं होता है, उसमें कोई घमंड नहीं होता है। आपकी आपका जो रूप होगा, आपका जो रंग होगा, आपका जो क्वालिटी होगी उसको एज इट इज आपके ही सामने पेश करता है। आप हमारी इंडिविजुअल बात में सामाजिक बात भी वही होगी कि समाज को 1956 के बाद में दीक्षा लेकर वृद्ध बनकर आज 63 वर्ष होने जा रहे हैं। इस 63 वर्ष के बीच में हमने क्या किया, हमने क्या करना चाहिए था, ये संशोधन करने की वक्त है और वो संशोधन अपने हम करें, वो संशोधन हम अपने स्वार्थ से करते हैं। लेकिन मिरर जो होता है उसमें ना कोई स्वार्थ रहता है, ना कोई आसक्ति रहती है, ना कोई घमंड रहता है, वो मैं कौन हूँ इसका एज इट इज मुझे दिखाने को लगता है। समाज क्या है, समाज को ना उठाता है ना समाज को गिराता है। समाज जो परिस्थिति में है वो समाज की वो समाज की आज की परिस्थिति आज इतनी दिखाता है। ये लगता है बड़े सोच समझ कर मैगजीन का नाम रखा है मिरर। तो ये मिरर के माध्यम से हमारे आज के व्यक्तिगत जीवन भी और समाज की जो परिस्थिति है वो भी सही ढंग से हमारे सामने पेश करेंगे और जहाँ हमें बढ़ाना है वहाँ हम बढ़ाएंगे, जहाँ हमें सच्चाई चीज करना है वहाँ हम उपोषण कर समाज को अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ये कहा है, अपने गाथा में ये कहा कि मैं जो लोगों के सामने जो धम्म दे रहा हूँ ये फिलोसॉफी नहीं है, ये चिंतन नहीं है। एक धम्म को बनाना है, एक समाज को बनाना है तो फिलोसॉफी चिंतन की आवश्यकता होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं मैं जो आपको चिंतन दे रहा हूँ, मैं जो आपको मार्ग दे रहा हूँ,
ये मार्फत चिंतन नहीं है, ये मार्फत फिलोसॉफी नहीं है। आपने धम्म का जो चिंतन है, धम्म का जो मार्ग है, उसे सीखना चाहिए। आज यहाँ जो मीरा नाम की पत्रिका निकलेंगी, उस पत्रिका के माध्यम से आपको बुद्ध का, बुद्ध ने दिया जो संदेश है, उसमें से एक भाग सीखने को मिलेगा, जो कि धम्म को सीखना है। आगे बुद्ध कहते हैं, मार्फत किताब में पढ़कर, मार्फत पुस्तक में से ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करेंगे, वो जीवन के लिए या बुद्ध धर्म के नाम से सफिशिएंट नहीं है। उस विचार को, उस चिंतन को, इस फिलोसॉफी को आप अपने जीवन में उतारें, आप अपने रोजाना जीवन में उतारें, आप अपने कर्मों में उतारें, आप अपने आचरण में उतारें। इसीलिए बौद्धनिकाय संघ ने तो उसको आचरण में उतारा है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने 10 पारमिता दिया है, उसमें से प्रथम जो पारमिता है वो दान पारमिता। आज बौद्धनिकाय संघ के माध्यम से जो एक सबसे पहले दिया हुआ पारमिता है, उस पारमिता का पालन होते जा रहा है। इस मिरर, इस पत्रिका के माध्यम से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में, रोजाना जीवन में अंगीकरण करेंगे, उसको एक धार्मिक या सामाजिक दृष्टि के तौर पर स्वीकार कर हमारा रोजाना जीवन उसमें से निकलेगा। तो बौद्ध गीता संघ ने एक जो दिन रखा है, एक जो इच्छा रखा है, उसे हम सक्सेस कर सकते हैं ये मैगजीन के माध्यम से और इस चढ़वड़ के माध्यम से। मैं आप सभी को मेरे टूटे फूटे शब्द सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ और अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much for your word of wisdom and I'm very extremely thankful to you for accepting our invitation at the 11th hour. Yesterday night only मैं आपको 10:30 बजे यहाँ पे आया हल्के एक्सीडेंट देखने के लिए, वाले सामने कर लिए थे और मैंने इनको फोन किया कि आप, हम लोग से थोड़ी गलती हो गई कि हम लोग प्रायर इंटीमेशन नहीं बता पाए आपको, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजी फ्रॉम आवर साइड। और फिर मैंने फोन किया वाले साहब को कि बंदे जी को अपन वी शुड इन्वाइट, और लास्ट टाइम भी आए थे और सामने सामने वो जिम्मेदार दिए एंड सो काइंड ऑफ यू आपने हमको ये सिखा दिया कि 11th आवर में भी आप कोई यू हैव एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन। थैंक यू सो मच, रियली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बुद्धिज्म। मुझे थोड़ा डर लगा था कि टाइप पे कैसा बताना होता है जी को, बट वी हैव लर्न्ड अ लेसन, नेक्स्ट टाइम हम पहले सब करेंगे। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन द ऑनरेबल वेनरेबल बंदे जी एंड ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द केस टू हैव इनॉग्रेशन ऑफ आवर मैगजीन बहुजन मिरर। सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी टाळ्यांमध्ये जोरदार स्वागत करावं आणि अश्वर देवी आपण इथे जोर वर आणि त्याचं विमोचन आपले बंदेजी आणि धनराज दाड सर तसेच अमन कुमार कांबळे करतील असं त्यांना विनंती करतो। प्रिंसिपल मैडम आलेले आहेत पटेल मैडम, तर ते काय
इंडोनेशियाला जाणार आहे. Good morning, everyone. I'm very happy to be here, honorable member sitting on the dais. This girl is very scared to face an audience. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज सर invited me here and सर ने बोला मैडम आप भी आइए एक बार देखिए see how things happen. And this little girl, she's in fourth standard and she's a rubber band. इसकी body एकदम rubber band की तरह है and she does yoga very well. So we are giving her a practice of yoga regularly. She's going to represent our school at the international level in Indonesia, Bali. And this competition will take place in the month of January. The dates have not been finalized, but it will take place in the month of January. So I actually thank all of you from the bottom of my heart, from the depths of my heart, that we want to send her. And she doesn't have a very good financial background, so it is our endeavor that we want her to represent. Because if she has not been able to shine there and once she has shown her talent, so then there is nothing to stop her. So that is why we want to give her that platform. And thank you, first of all, to my director, Damgai sir. He is a true inspiration and a motivation. जिन्होंने यहाँ पे यू गेव मी दिस प्लेटफॉर्म मैंने कहा मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगा आई विल कीप दिस एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखते हैं क्या होता है एंड दिस इज वन दैट वी हैव गॉट थैंक यू सो मच थैंक यू मैम सिंबॉलिक करके हम लोग इसको अभी लिख लेंगे ऐसा जैसे ब्लैंक चेक और कहा हमारे ट्रेजरर साहब की परमिशन लगती है और चाहते हैं तो वहाँ पर एक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन वो इंटरनेशनल में जा रही है ज्या ज्या लोकांना दान द्यायचं असेल 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये तर अजूनही आपण देऊ शकतो आपण तिला मोठा चेक देऊ सध्या आपल्याकडे किती जमा झाले 6900 आपल्याकडे जमा झालेले आहेत आणि अजून मी अपील करतो की ज्यांना ज्यांना द्यायचं आहे त्या मुलीला आपली एक मुलगी आहे ज्यांना मुलगी नाही आहे तर त्यांनी अमन कुमार कांबळे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोबल व्यक्त करावं आणि अमन कुमार कांबळे साहेबांचं आपलं फार ऑब्लिगेशन आहे की त्यांनी आपला आवाज इंडिया टीव्ही आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे अमन कुमार कांबळे यांचा जन्म 7 एप्रिल 1979 नागपूर शिक्षण BSc आणि त्यांच्या मिसेसचं नाव आहे भावना मुलाचं नाव आहे श्रेयस आणि कनिष्ठ सॉरी 6th स्टँडर्ड आणि त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी स्वतः आपलं चॅनल निर्माण केलं आहे आणि भारतामध्ये आवाज इंडिया त्या दिवशी आपले त्यांनी आणि प्रत्येक कार्यक्रम सेंटर पॉईंटमध्ये होणारे ते प्रदर्शित करीत असतात आणि सामाजिक बांधिलकी हा त्यांचा खास आणि त्यांना अजिबात कुठेही तुम्ही फोन करा एक मिनिटात ते फोन उचलतील उत्तर देतील आणि त्यानंतर डॉक्टर साहेब मैं आपके साथ में हूँ तो आपने सर्वांचे आवडते अमन कुमार यांच्या सारे जोरदार टाळ्या आणि आपलं मनोबल आज
इस जगह पर आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया, इसके लिए आपका भी अभिनंदन कर। आज कुछ देर पहले यहाँ बहुजन लीडर इस बातचीत का एक विमोचन किया गया। सही मायने में अगर मीडिया का क्या रोल होता है, मीडिया भी नैतिक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। और पिछले कुछ सालों से हमारे देश का जो मीडिया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, वो किसी के दबाव में किसी के प्रभाव में काम करके रहा है। और पिछले 5 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मीडिया के बारे में। और ऐसे ही माहौल में आज एक नए वैक्सीन का या विमोचन हुआ, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रपति लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी सरकार में इसे पढ़े और बाकी लोगों को भी पढ़ने की। हम जब यहाँ पर बैठे हैं तो हम सब चाहते हैं कि इस देश में अनगिनत न्यूज चैनल्स है, पेपर्स है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है। भारत देश की अगर बात करेंगे तो ये इसकी संख्या लाखों में हो सकती है। अगर आप आपके घर में टीवी अगर देखते हो, मेरे आपके घर में भी 1000 के आसपास कोई जल्द आप देख सकते हैं। इतने भी जल्द आपके पास है, जिसके न्यूज चैनल से लेके तो न्यूज एंटरटेनमेंट सभी तरह के फर्क है। लेकिन जो इस समाज को चाहिए, जो इस देश को चाहिए, इस तरह कंटेंट कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल आज की समय में नहीं दे रहा। एक्सेप्शन है कुछ हमारे जैसे मीडिया है या फिर और कुछ मीडिया है, लेकिन इसका प्रतिशत केवल 1 या 2 दिन हो सकता है। अदरवाइज आप अगर न्यूज चैनल देखेंगे तो हमारा दुश्मन केवल और केवल पाकिस्तान है। हमारा दुश्मन गरीबी नहीं है, हमारा दुश्मन अशिक्षा नहीं है, हमारा दुश्मन देश के प्रति बेरोजगार नहीं है, हमारा दुश्मन देश के अंदर में पड़ता मरता दातीवाद नहीं है। हमारा दुश्मन अगर कौन है तो 1 और 1 पाकिस्तान है। तो इस तरह का एक नैरेटिव जो है आज देश में सेट हो रहा है कि इस देश के लोग क्या कह रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता, लेकिन एक 10 दिन पहले एक घटना घटी पाती देश में। घटना क्या थी कि 2 छोटे बच्चे, 1-10 साल का और 1-12 साल का छोटा बच्चा और 1-12 साल की बच्ची, इन दोनों को बेरहमी से मारा गया। और इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। और कारण क्या था कि वो लोग एक दबंग व्यक्ति है उसके घर के सामने शौच में बैठे खुले में। अब वो गांव, वो एक गांव है वहाँ पे वो लोग बैठे थे। और गांव आपको पता है कि बहुत जगह होती है गाँव में, तो उसके घर से कुछ अंतर पे वो लोग शौच के लिए बैठे थे। और उसी के कारण कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने 2 गरीब बच्चे जो मार्केट समाज के बच्चे थे उनकी हत्या कर दी। आप देखिए देश कैसे बढ़ रहा है। इस देश के लोग, और जब उसको अरेस्ट किया गया उसने कहा कि मुझे ईश्वर का साक्षात भगवान ने आकर कहा कि तुमको इन दरिद्रों को, ये राक्षस को मारना है। पता है 10 और 12 साल के बच्चों क्या दरिद्र हो सकते, क्या राक्षस हो सकते हैं? तो ये समाज किस तरफ जा रहा है? तो इस समाज को बनाने का जो काम है, जो मीडिया का काम है, माध्यमों का काम है, या फिर हमारे देश के लोगों का जो बुद्धिजीवियों का काम है, तो ये समाज एक अलग दिशा में जा रहा है। अब 2 दिन पहले ये घटना परिकल्पी एक न्यूज है कि प्रख्यात जो लेखक थे 50 लोग थे जिसमें राष्ट्र हुआ अपना से समय 50 लोग थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक खत लिखा कि देश में जो मॉब लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आप इसे रोकिए। तो इसके खिलाफ में किसी ने कंप्लेंट दायर की और सूर्यकांत तिवारी नाम के एक जज है, उन्होंने खिलाफ देशद्रोह का आदेश दिया, जिनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाओ। अब किसी बात को आप अभी उठाते हो और कहते हो कि नहीं भाई साहब ये देश में गलत हो रहा है, और उससे कहने के लिए आपके खिलाफ हमें देशद्रोह देश लग सकता है, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं कि जिस दौर में अपनी बातों को रखना ही एक गुनाह हो रहा है। वैसे इस माहौल में आपने मिरर एक नाम दिया, मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि मीडिया एक मिरर की तरह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस तरह से आपने इस तरह का एक मैगजीन शुरू किया और देश को अभी ऐसे मैगजीन्स की, ऐसे न्यूज़ पेपर्स की, ऐसे ट्यूनल्स की बहुत सख्त आवश्यकता है कि जो देश को समाज तक के राह पे लेके चले, जो देश को बंधुभाव के राह पे लेके चले, जो देश को मैत्री भावना के राह पे लेके चले, जो देश से नफरत को मिटाए, चाहे धर्म के आधार पर नफरत हो, चाहे जाति के आधार पर नफरत हो, इस नफरत को मिटाने का काम आप लोगों ने करना चाहिए। और इस मैत्री को समाज
कि हर वर्ग पर हर तबके तक लेके जाना चाहिए और हर लोगों के लेख या इस तरह के लेख जो समाज के दूरियां मिटाए, जो समाज में बंधुभाव बढ़ाए, इस तरह के आर्टिकल स्पीच माध्यम से आगे चाहिए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा क्योंकि हम लोग सबसे लोग जानते हैं कि हमारे जो मूवमेंट है समानता की, जो समानता का आंदोलन है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आंदोलन को चलाने के लिए न्यूज पेपर के ऊपर समझा था, उस वक्त चैलेंज नहीं थे और उस वक्त उन्होंने मुक लाए महिंदू भारत जनता प्रमुख जैसे एक्सेस चलाए थे और उस वक्त तो आज जैसे हमारे पास सदन है और सक्षम है, उस वक्त इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन फिर भी एक मैगजीन को उस वक्त 100 लोग पढ़ते थे, नागपुर के अगर एक पेपर आया तो उसमें 100 लोग पढ़ते थे और उस मैसेज को जो है 64 तक वो पहुँचे थे। आज तो हम लोग की सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, हमारे चैनल्स है, मैगजीन्स है, तो ऐसे माहौल में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है कि जो सच्चाई का मैसेज है, जो एकता का मैसेज है, जो विविधता का मैसेज है, उसे हम लोग जन जन तक पहुँचाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नागपुर में दो ही जगह है जहाँ लोग इकट्ठा आते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, एक तो रेशम बाग है और दूसरा लश्करी बाग है। तो ये निरंतर होना चाहिए क्योंकि हम सब लोग जब इकट्ठा आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिस तरह का ट्रांसपेरेंट, जिस तरह का सर ने बताया कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, तो इनके ट्रांसपेरेंट सोसाइटी में आएगी तो डेफिनेटली जो है एक अच्छा समाज बनाने की दिशा में हम अग्रसर होंगे। और हमारी मान्यता हम लोग यही चाहेंगे कि ये जो मैसेज हम लोग यहाँ से आज स्प्रेड कर रहे हैं इसको और दूर तक लेके जाने की आवश्यकता है और जितना हम सीमित दायरे में उसे सीमित दायरे को हटा के और आगे जाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है डॉक्टर शंकर कोबरा करे सर, बाकी जो अंदर सभी लोग थे इन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, इन सभी के बारे में काफ़ी मनोकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कोटेशन मैं अभी राइटिंग पढ़ा था, इसको मुझे पता चला विशेषता इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा था, चैलेंज के बारे में कहा था, इट हैज नाउ बिकम अ ट्रेड, इट हैज नो मोर मोरल फंक्शन देन द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ। ये मुझे उस वक्त कहा था कि आज का जो मीडिया है ये जो है ये पूरी तरह से एक व्यवसायिक बन गया है और पेड मीडिया बन गया है। तो ये बात उस वक्त थी जो आज के हालात में काफी प्रासंगिक है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में जब देश का मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है और पूरी तरह से केवल सत्ता पक्ष ही गुंडा जाने लगा रहता है, उसका जो दुश्मन है केवल पाकिस्तान बन गया, वो जगह देखेंगे दुश्मन की डिबेट में हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान इसी तरह की डिबेट देखेंगे। बाकी आपको देश के अंदर देश में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गई है, हमारे सरकार को 160,000 करोड़ रुपये जुलेंट से लेना पड़ रहा है, आर्थिक अभी कई बेरोजगारों की जो है नौकरी छूट गई है और कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हो गए लेकिन पिछले 5 सालों में 3 करोड़ रोजगार जो है चले गए हैं। और ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने एक अच्छा साहस किया है, मैं इस आपके साहस को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा समाज बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई दुष्कर्म ना हो, जहाँ केवल मैत्री बंधुभाव और एकता हो और विविधता में एकता हो। धन्यवाद।